नमस्कार दोस्तों, मैं शैली चाळके और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। जो पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है। बात की जाए 146 ओड़ा माझीवाड़ा की, जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, ये पूरा विभाग जो ये पूरा परिसर जो है 146 ओड़ा माझीवाड़ा में आ रहा है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पे एक स्कूल है। इस स्कूल में लगभग 7 मतदान केंद्र जो है फिलहाल मौजूद है। उसी के साथ साथ अंदर एक जीसीसी क्लब है, उस जीसीसी क्लब में भी जो है मतदान केंद्र की सुविधा की गई है। लोगों को वहाँ पे जाके मतदान जो है अपना वोट जो है वो दे सकते हैं। अब देख सकते हैं कि लोगों की तादाद जो है फिलहाल बहुत ही कम नजर आ रही है। लोगों की मतदान करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही धीमे तरीके से चल रही है। अगर बात की जाए अभी तक के प्रतिशत की, 146 ओड़ा माझीवाड़ा के अभी तक का जो प्रतिशत है वो 37.10% ही है। मतलब बहुत कम जो है वोटिंग फिलहाल इस सीट पर हुई है। बात की जाए इस सीट की तो 2019 में जो है यहाँ पे जो है जो विधायक थे या फिर उसके पहले जो विधायक थे वो जो है एक ही पार्टी के विधायक 3 बार रह चुके हैं। वो इस बार भी 4थी बार उम्मीदवार के दौड़ में खड़े हैं। साथ ही साथ कुल 14 उम्मीदवार जो है फिलहाल इस सीट से जो है मैदान में खड़े हैं। इस सीट पे जो है लड़न चल रही है फिलहाल शिवसेना वर्सेस शिवसेना की। बात की जाए उसी पक्ष की, जब शिवसेना के दो गुट बने उसी के साथ साथ यहाँ पे भिड़न भी जो है बहुत ही ज्यादा तरीके से दिखाई दे रही है। पर इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो मतदान की जो प्रक्रिया है वो धीमे तरीके से है। लोग जो है बाहर आ रहे हैं वोटिंग करके, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीट पर और इस मतदान केंद्र पर किस प्रकार की सुविधा फिलहाल मौजूद है। किसी स्कूल में की है, किस प्रकार की सुविधा है अंदर? महिलाओं के लिए कुछ अलग सुविधा दी गई है? नहीं, महिलाओं को सब साथ में ही है ना, सब जेंट्स और लेडीज सब साथ में जा रहे हैं। भीड़ है अंदर? नहीं, भीड़ नहीं अभी। तो अच्छे तरीके से जो समस्या है आपके सामने नहीं आई है, किन मुद्दों को नजर में रखते हुए वोटिंग किया है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस एरिया के आपको लगता है कि ये जल्द से जल्द सॉल्व होने बहुत ज्यादा जरूरी है? लगभग सभी रोड हो, पानी, हाँ यही पानी और रोड का ज्यादा ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जल्द से जल्द सॉल्व हो ऐसे सेंटर में क्या क्या सुविधा दी गई है? एकदम बढ़िया है, बढ़िया सुविधा है, कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं जी। कौन से मुद्दे जो है ध्यान में रखे हैं आपने इस बार वोटिंग करते हुए? हमारा ये इधर का विकास हो, थोड़ा विकास जी। महिलाओं के लिए कुछ कहेंगे? महिलाओं को सुरक्षा प्रदान होना चाहिए, सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। वोटिंग आईडी अभी तक आया नहीं है, तो अभी मतदान आपका कैसे होगा? मतलब वो हाँ, एक मेरी फ्रेंड गई है जी, उसके पास मिलने वाला है। हाँ, तो उसने उधर स्लिप मिलने वाला है, स्लिप मिलने वाला है। हाँ, उसके हिसाब से आप वोटिंग। हाँ। अंदर क्या क्या लगता है कि इन मुद्दों को नजर में रखते हुए वोटिंग किया? इट इज गुड एक्चुअली, विदाउट क्यू है और बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, इट इज गुड। कौन से मुद्दे जो है इस बार आपने ध्यान में रखा है और वोटिंग किया है? लोगों को ध्यान में रखे, जो होता है वैसे ही करना है, मतलब लोगों की सुविधा के लिए, जो टैक्स पेयर है और जो नॉन टैक्स पेयर है, तो दोनों को मिला के जो फ्रेंडली वे में हो। ऐसा नहीं हो टैक्स पेयर को देखे पछतावा हो रहा है कि भाई क्यों पैसे भर रहे हैं, और गरीबों को जो कमा रहे हैं फिर भी मिले जा रहे हैं, तो वो सब अगर कैलकुलेट करो तो ज़्यादा बेटर। दैट्स ओनली थिंग। मैम, आपने भी जो है वोटिंग किया है, क्या कहेंगी? कौन से मुद्दे जो है आपने महिला के तौर पर कौन से मुद्दे ध्यान में रखे हैं? महिला के तौर पे सुरक्षा, एजुकेशन एंड दीज आर द मेन थिंग्स, बट उसके अलावा भी देर आर मेनी अदर मैटर दैट पीपल हैव टू कीप इन माइंड। तो वो सारी थिंग्स साथ में रखते हुए, स्पेशली नाउ अभी वोटिंग इट इज़ लाइक डिवाइड एंड रूल जैसा भी हो गया, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट वाइल वोटिंग। मैम, इस पूरे क्षेत्र में जो है बहुत कम प्रतिशत जो है वोटिंग फिलहाल नजर आ रही है, 37% की वोटिंग हुई है जो कि ज्यादा होनी चाहिए। क्या कहेंगे लोगों से कि लोग भी जो है अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं, लोग वोटिंग करने नहीं आ रहे हैं? इवन आई एम शॉक टू हियर दैट, क्योंकि लास्ट बार 50% था, 50-51% था, नाउ वी हैव ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम समवेयर बिकॉज़ आवर वोटिंग बूथ इज हियर, या पलावा ऑल द वे वी हैव कम फ्रॉम। तो मतलब उसकी अभी इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सन, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। सब लोग कितना भी मोटिवेट करें वैसे नहीं, बिकॉज इट इज़ योर राइट, यू नीड टू एक्सरसाइज। वोटिंग सेंटर्स में है क्या महिलाओं के लिए अलग से सुविधा की गई है? नहीं, महिलाओं के लिए अलग सुविधा कोई नहीं है, तो बोर्ड के हिसाब से। हाँ, रश तो है, मतलब अभी तो इतने लोग नहीं है, मतलब 5 बजने वाले, इसलिए सबको जल्दी लगी हुई है, घाई लगी हुई है। हाँ, तो कौन से मुद्दे इस बार आपने ध्यान में रखे है और वोटिंग की है? वोटिंग तो जिनको भी वोट करना है, कैंडिडेट है अपने हिसाब से, हमने अपने मर्जी से वोट किया है ये जी। पर मुद्दे कौन से हैं कि इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्या है जिनको लगता है आपको जल्द से जल्द सॉल्व होनी चाहिए?
मैम मैं ये एरिया की नहीं हूँ, पहली बात तो मेरा ये एरिया में वोट आ गया है। अच्छा। मैं 145 वार्ड से हूँ। हाँ। और मेरा 146 में आ गया। अच्छा, हाँ, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हुई और ये हर साल हो रहा है दो साल से कि हम 145 वार्ड से है तो हम उसकी जगह यहाँ वोटिंग आ जाता है हमारा। अच्छा, साल तो इसके लिए। हाँ। आपने कहाँ पे शिकायत की थी या किसी से बात? हाँ, मैंने की थी बात नगर सेवक से, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम अभी जैन में हो गए, जब विधानसभा के ये जब राज्य उसके होंगे तो फिर आपका, हाँ, तो आपका वो चेंज करवा देंगे। हाँ, अपने वार्ड में आ जाएगा। हाँ, तो देख सकते, वोट देखना, वोट देना जरूरी है, ये सोच के हम आए हैं कि वोटिंग हमारा राइट है तो वो देना जरूरी है, बाकी कहीं भी आए हैं और क्या। उससे हम 146 ओड़ा माझीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले परिसर में मौजूद थे, लोगों से बात की, लोगों को अंदर की सिचुएशन जानने की कोशिश की, उनसे बात करके लोगों का यही कहना है कि अच्छी तरीके से जो है व्यवस्था की गई है। लाइन कुछ अलग नहीं है इस पूरे मतदान केंद्र में, सारे पुरुष हो महिला हो इनकी एक ही लाइन है, पर वोटिंग जो है जल्द से जल्द हो रही है, 15 से 20 मिनट में वोटिंग हो रही है। शायद इसका एक उपाय हो सकता है कि शायद मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की वजह से शायद सारे वोटिंग सेंटर्स में जो है भीड़ जो है फिलहाल कम नज़र आ रही है, लोगों की वोटिंग जो है वो जल्द से जल्द हो रही है। फिलहाल जो लोगों से हमने बात की उनके मुद्दे भी जानने की कोशिश की कि 146 कोड़ा माझीवाड़ा में क्या ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दों को नज़र में रखते हुए वोटिंग फिलहाल लोगों ने की है, तो उनके यही कहना है कि युवाओं का रोज़गार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, या फिर जो विकास के काम जो है वो हुए नहीं है, वो अभी तक जो होने चाहिए तो वो काम हुए नहीं है, उनको नज़र में रखते हुए, इन मुद्दों को नज़र में रखते हुए फिलहाल 146 ओड़ा माझीवाड़ा के लोगों ने जो है नागरिकों ने जो है फिर मतदाताओं ने जो है वोटिंग जो है फिलहाल की है। अगर रेल जल देखेंगे आप इस पूरे इलाके में तो रेल जल उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए, शाम के 5 बजने को आ रहा है और इस हिसाब से ये जो है समय जो है अभी वोटिंग 6 बजे ख़त्म हो जाएगा, उसके हिसाब से ये जो लोगों की संख्या है मतदान करने के लिए वो संख्या उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। इस विधानसभा क्षेत्र पर जो है फिलहाल बहुत कम वोटिंग नज़र आ रही है, 37% के आसपास जो है यहाँ पे वोटिंग हुई है। आगे जो भी अपडेट निकल के सामने आती है वो आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावन के साथ मैं शैली सड़के, MB लव।